हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज एक और वीडियो बना रहा हूँ। कहा था कि आपसे दो वीडियो, आप पिछली वीडियो में आपको कहा था कि एक शाम को आपको दूसरी वीडियो मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो कंटेंट है या टॉपिक है वो फ्रेंड्स ये है कि अब MIUI का नया अपडेट तो आ चुका है। अब उसका मैं आपको फाइनल ओवरव्यू बताऊंगा, मतलब फाइनल रिव्यू आपको मैं टोटली बता दूंगा कि स्टेबल है या नहीं है, या बग्स है, या आप डेली यूज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो आज मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो भी छोटे मोटे बग्स हैं वो आपको कोई दिक्कत करेंगे, या अगर आप स्टॉक में चले जाओ तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस रोम के बारे में। पहले बहुत दे दी है, आज मैं इसका फाइनल ओवरव्यू कर दूंगा। मैं हर अपडेट का एक फ़ाइनल ओवरव्यू करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस अपडेट का, पिछले अपडेट का तो आपको पता ही चल गया होगा, अब मैं इस अपडेट का एक नया फाइनल ओवरव्यू कर रहा हूं और जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसका भी करूंगा। जी फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी पर। पहला टॉपिक, चलो बैटरी रहने दो, पहले हम टॉपिक इसकी बात करते हैं फिंगरप्रिंट पे, जो बहुत बढ़िया है। फिंगरप्रिंट से हम पहले शुरुआत करते हैं। फिंगरप्रिंट भी आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ है, क्योंकि कर्नल चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से एक मिनट थोड़ा, हाँ बहुत बढ़िया है फिंगरप्रिंट, ये इसमें 100 में से 100। अब दूसरी बात इसकी आती है बैटरी की। तो फ्रेंड्स, बैटरी में मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही ड्रेन हो रही है बैटरी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। आप मतलब डेली यूज़ के हिसाब से आप बैटरी भी बढ़िया मतलब यूज़ कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। हाँ, और MIUI में तो आपको पता ही है कि ये फंक्शन आता ही है कि अपना क्या बोलते हैं, एक मिनट, बैटरी सेवर आप ऑन कर सकते हो, तो उसके उससे और फिर क्या बोलते हैं, जो बैकग्राउंड में जो भी बैकग्राउंड में कुछ ये चल रही होती है, छोटी छोटी सिस्टम चलाता है, छोटी छोटी चीज़ें, वो उसको डिसेबल कर देती है और आपकी बैटरी और इफ़िशेंट हो जाती है, मतलब बहुत चलती है, इफ़िशेंट हो जाएगी तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी ज़्यादा। अब बैटरी में मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। अब तीसरी फ्रेंड्स, हम इसकी बात करेंगे, देखो बैटरी तो हो गया, फिंगरप्रिंट का भी हो गया, ये दोनों आप सहमत हो गए इस बात से कि उसकी कोई दिक्कत नहीं आई, और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई फ्रेंड्स। अब तीसरी बात करेंगे इसके कैमरा की। तो कैमरा में फ्रेंड्स मुझे कोई दिक्कत नहीं, अब तो इसको स्टॉक प्लस हमें गूगल कैमरा मिल गया, आप देख सकते हो मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें, तो पोर्ट्रेट भी आपको फ्रंट में मिल चुका है, ये आपका पोर्ट्रेट भी। और मेरे पास ये भी थोड़े रिव्यूज़ आ रहे हैं कि पोर्ट्रेट, मेरे पास व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि पोर्ट्रेट इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है, फ्रंट पोर्ट्रेट अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तीन जो मेन चीज़ें होती है क्रोम में वो चलनी चाहिए, वो परफेक्ट चल रही है। अब चौथी चीज़ पर आते हैं फ्रेंड्स, आपका जो ये नेटवर्किंग, वोल्टी और वाईफाई हॉटस्पॉट, इन तीन चीज़ों में कोई इसकी दिक्कत नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर इन तीन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, और बैटरी और फिंगरप्रिंट और कैमरा में, तो ये रोम फ्रेंड्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास है एक डेली ड्राइवर के लिए, मतलब डेली यूज़ के लिए। अब एक और हम बात के आते हैं, वो हाँ रीडिंग जो मोड होता है वो आजकल सबके लिए मतलब ज़रूरी है। तो हाँ, जैसे मेरा ऑन है और जब इसको मैं ऑफ कर दूँगा तो रीडिंग मोड ऑन हो जाएगा। अब जैसे इसको ऑफ करूँगा ये ऑन हो गया, इसको ऑन करूँगा तो ये थोड़ा बग्स है, अगर इसको आपको सही करना है तो रिबूट कर दो, फिर दोबारा इसको बंद ही रखो, नेक्स्ट अपडेट में फ्रेंड्स ये क्या पता सही हो जाए। तो ये हाँ छोटा बग है, इसको हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा खिलाता है रोम को। हाँ, कोई कोई फ्रेंड्स मुझे कह रहा है कि डबल टैप वर्क नहीं कर रहा, तो अभी पता चल जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, डबल टैक चल रहा है फ्रेंड्स। जिसका नहीं चल रहा है उसको मैं पहले ध्यान से बोल रहा हूँ, जिसका नहीं चल रहा है, जिसको छोटी मोटी दिक्कत आ रही है, तो एक ही काम है, रोम रीइंस्टॉल कर लो बस। जो भी अपना डेटा या तो अपने PC में रख लो, या तो इंटरनल स्टोरेज में रख लो, या बैकअप मार के, हाँ इंटरनल भी रख सकते हो, PC में रख सकते हो, क्योंकि कोई कोई मेरे फ्रेंड्स ने अपने PC में रख लिया तो ज़्यादा बेटर है वो, क्योंकि डिस्प्ले के में तो हाँ ये डबल टैप चल रहा है। रेस डिवाइस टू वेक मुझे इतना खास नहीं लगा है। और हाँ, कोई कोई मुझे ये भी कह रहा है, जैसे एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ थीम्स में कोई कोई कह रहे कि हम जैसे हमें पोको F1 का थीम चाहिए तो नहीं मिल रहा है भाई, वो अगर आप में थीम ही नहीं आपके फ़ोन में लगा तो रोम रीइंस्टॉल कर लो, परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि क्या बोलते हैं, थीम तो मिल रहा है, एक मिनट, ये देखो थीम तो पोको F1 का होगा, सर्च हो रहा है, ये आपको F1 Pro ये दूसरा आ गया है, वो जो भी आप ये जो भी आप सर्च कर सकते हो, ऐसा थीम में कोई बग्स नहीं है, और इधर सब कुछ सही चल रहा है,
ये देखो पहले इधर दिक्कत आती थी कि यहाँ पे आप मतलब ये शो नहीं होता था, बंद हो जाता था, अब ये भी हो गया, अपना साइन करो और ये चलाओ। तो फ्रेंड्स देखो अब यही मैंने आपको कहा है कि छोटी मोटी चीज़ें बग्स ही अगले अपडेट में सही हो जाएगी जो फाइनल ओवरव्यू है। अब और आपको बग्स जो भी फेस हो रहे हो मुझे कमेंट में लिख लो, मैं देख लूँगा। हाँ एक और बग मुझे किसी ने बताया था, एक मिनट, हाँ एक मुझे बग बताया था किसी ने, फेस डाटा नहीं चल रहा है। तो भाई अगर नहीं चल रहा है तो रोम रीइंस्टॉल कर ले, फेस डाटा चल जाएगा, क्योंकि मेरा तो चल रहा है। जिसका नहीं चल रहा है ये छोटे मोटे बग्स आ रहे हैं रीडिंग मोड को छोड़ के, जिसके थीम के आ रहे हैं ये आ रहे हैं, सर्च नहीं हो रहा है, वो अपनी रोम रीइंस्टॉल कर ले, सबसे परफेक्ट है, वो फिर सही हो जाएगा उससे। और आपने और कोई ज़्यादा फ्रेंड्स मुझे और भी कोई बग्स है, वैसे बग्स तो और नहीं है वो मुझे ही पता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो, लेकिन वो नहीं आएंगे क्योंकि इतना तो मुझे पता ही है। और आपको क्या, आपको सब कुछ ही पता है, वो आप चला ही रहे हो अब इतना 3-4 दिन होने वाले जो नया अपडेट आया था। तो फ्रेंड्स बस यही आज की वीडियो थी, और आपको अगर कोई भी बग्स आ रहे हैं तो मुझे बता दो। ये फाइनल ओवरव्यू है इस अपडेट का, मतलब फाइनल रिव्यू है MIUI 10 का इस अपडेट का। हर अपडेट का मैं एक फ़ाइनल ओवरव्यू दूंगा कि ये इस अपडेट में अभी यूज़ के लिए है कि नहीं है। जितने अपडेट आएंगे रोम फ्रेंड्स उतनी परफेक्ट होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। और बस यही मैंने आपको बताया था। और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बोलो, शेयर करो फ्रेंड्स ये वीडियो जो भी है, बस सब्सक्राइब और लाइक रखो जितना हो सकता है। पिछली वीडियो में भी आपने इतना नहीं करे थे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आता रहूँगा। हाँ कोई और रोम चाहिए MIUI 1 के लिए तो आप कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ, अगर किसी को भी और कोई जैसे बैटरी में कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई कह रहा है कि मुझे कैमरे में दिक्कत आ रही है, मेरा फ्रंट और बैक का पोर्ट्रेट इतना खास नहीं है जो स्टॉक में था, भाई अगर जिसको कैमरे की पड़ी है, जिसको कस्टमाइजेशन की नहीं पड़ी, जिसको कैमरे की पड़ी है, भाई वो फिर आराम से अपना स्टॉक में जा सकता है। स्टॉक में हर चीज़ है, बैटरी भी इफ़िशेंट है, हर चीज़ है। हाँ अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए तो MIUI में हमेशा कहता हूँ इज़ बेस्ट, और हमेशा वही रेफ़र करूँगा कि MIUI इज़ बेस्ट। और ये तो MIUI 1 अभी इसमें भी आ चुकी है। तो प्रेस फ्रेंड्स इतना ही था आज की वीडियो में, और भी कोई बग्स है तो मैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं फिर उसको देखूंगा, क्योंकि मैं जितने भी ये कमेंट में मुझे बताए मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक हो रही है दिक्कत, आप रोम को रीइंस्टॉल करो, सबसे परफेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फाइनल ओवरव्यू था, हर अपडेट का फाइनल ओवरव्यू दूंगा। इस अपडेट में मेरे हिसाब से ये रोम फ्रेंड्स डेली यूज़ के लिए है, मतलब आप इसको एक डेली ड्राइवर अपना बना सकते हो, जैसे आप स्टॉक को बनाते हो वैसे इसको बनाओ फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, छोटे मोटे बग्स चलते जाएंगे। रीडिंग मोड इतना, आप प्ले स्टोर से कोई और ऐप कर लो, वो भी रीडिंग मोड के आजकल बहुत आते हैं। हाँ ज़रूर वो बैकग्राउंड में चलेंगे, थोड़ी बैटरी खाएंगे, तो वो इतना मैटर नहीं करता। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में यही था, मैं आपको यही कह रहा हूँ उसको चला मतलब यूज़ करो अपने MIUI 1 में, बहुत बढ़िया रोम है। हम सब तरस रहे थे कि कब MIUI 10 आएगी, कब आएगी। तो फ्रेंड्स इसी नाम पे एक तो लाइक बनता ही, और ये वो आ चुकी है, बहुत पहले से आ चुकी है, मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ। और यही बस है कि आप इसको चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितनी अपडेट आते रहेंगे उतनी बैटरी ये रोम होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।